वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी साइश ऑनलाइन विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। टाइटल से पता लग गया होगा वीडियो किस बारे में है। इतनी कोई जोर की फरमाइश थी आप लोगों की कि मैं इस चीज़ के ऊपर रिव्यू करूं। बेसिकली ब्यूटीफाई आमना ने अपनी कंसीलर और फाउंडेशन लॉन्च किया है और एक नया पाउडर भी लॉन्च किया है, तो उसके लिए लोगों को था कि मैं इसका रिव्यू दूं। काफ़ी लोगों ने दे दिया है, काफ़ी ब्लॉगर्स ने दे दिया है, बस मैं ही रह गई थी। मेरे पास टाइम ही नहीं, इतनी मैं बिजी थी, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही कि मेरे पास फाउंडेशन ट्राई करने का टाइम ही होता। मेरे पास कोई 4-5 फाउंडेशन रखे हुए हैं ट्राई करने के लिए, बस वक्त की कमी है। तो ये BBA फेस प्रो किट ब्यूटीफाई बाय आमना की नहीं आई है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसी लगती है। तो लो जी यार, इस तरह से है ये, इसमें इनकी फाउंडेशन है। मैं भी आपको क्लोजअप करके सब चीज़ें दिखाती हूँ। फिर हमारे पास ये पुराने वही प्रोडक्ट्स हैं इनके, प्राइमर और सीरम वाले, और इनका एक ये लूज पाउडर नया आया है, पहले भी इनका आ चुका है, ये न्यू वाला है, और ये फाउंडेशन, और ये रहा कंसीलर। ये देख लो यार, इनकी फाउंडेशन इस तरह से है, ऐसे करके इस गोल्डन कलर के कैप में आती है, ठीक है। यहाँ से सील भी हुआ होगा कैप, जो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से फ्रॉस्टेड सी ग्लास पैकेजिंग में आती है। इसमें आपको आई थिंक 5-6 शेड इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। उसमें से मेरे पास ये 05 मीडियम है, जो मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है अपने लिए अब, लेकिन उस वॉचेस में लाइट लग रहा था, पता नहीं अब क्या सीन है, लगा के पता चलेगा। नाम देखते हैं, नाम लिखा है रेडिएंट फाउंडेशन। ये ब्यूटीफाई बाय आमना की रेडिएंट फाउंडेशन है, मतलब ग्लोई ग्लोई भी होगी, और लॉन्ग वेयर है, मैट भी है, तो रेडिएंट ग्लोई मैट फिनिश होगी इसकी, सेमी मैट होगी जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है पढ़ के। फिर सारी इसकी ओवरव्यू लिखा हुआ है कि वेयर्स लॉन्गर स्टे स्ट्रॉन्गर लुक्स बेटर विथ ईच आवर, ठीक है। ये उनका क्लेम है, 30 ml प्रोडक्ट है इसके अंदर, और ये यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हुई है, विच इज़ वेरी ग्रेट। कंसीलर देख लो, कंसीलर की पैकेजिंग भी क्वाइट सेम है, वही गोल्डन कलर का कैप है, रेडिएंट कंसीलर नाम है, जैसे फाउंडेशन का नाम रेडिएंट फाउंडेशन है, रेडिएंट कंसीलर का नाम है। इसमें मैंने 03 नेचुरल अपना शेड बताया था उनको, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद सिमिलर मैच ही हो। इस तरह करके इसका वॉन्ड है, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी कर्वी शेप है ताकि इजीली लग जाए, ठीक है। तो ये तो ट्राई करके टेस्ट करते वक्त मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग तो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की है, ये इनका लूज पाउडर आया है, इसका नाम है रेडिएंट बेकिंग पाउडर, ठीक है। आर वेटलेस लूज पाउडर क्रिएट्स अ शियर फिनिश दैट अपीयर्स फ्लैटरिंग इन एनी लाइट, ठीक है। ये इसके 2 शेड्स आते हैं आई थिंक, इसके अंदर बनाना आता है और एक ट्रांसलूसेंट आता है, मेरे पास आई थिंक ट्रांसलूसेंट वाला है। देखो कितनी मजे की इसकी पैकेजिंग है, बॉक्स नीचे इन्होंने दिए हुए हैं, इसके जो पैकेजिंग है ना, मतलब जो बॉक्सेज साथ नीचे आपको मिलेंगे, आई थिंक आपको एज इट इज़ ही मिलेगा इसका पूरा पैक। हेयर बैंड पहन लिया है, मैं जल्दी जल्दी काम करी, मैं बड़ा टाइम लगा देती हूँ फिर प्रोडक्ट को ड्रैग कर देती हूँ एक्सप्लेन करने में। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ मिस होगा वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम इनका सीरम ले रहे हैं, 24 के गोल्ड सीरम, विच आई रियली लाइक, ठीक है। लव नहीं है मुझे इससे, लाइकनेस है मेरी इसके साथ, ठीक है। तो हम जितने जो भी रिव्यू देंगे वो फुल हॉनेस्ट देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, तो 2-3 ड्रॉप्स लें और इसको हाथ पे अच्छे तरीके से वार्म अप करके ना हमें लगा लेना है। थोड़ा लगाएं तो के सही से हो जाए, विंटर्स में तो बहुत काम आने वाले हैं ये प्रोडक्ट्स। सीरम्स जो होते हैं 24 के, वो समर्स में इतना काम नहीं आता, विंटर्स में ज़्यादा आएगा। ग्लो चेक कर लें, कम लगाया ना प्रोडक्ट इसलिए अच्छा ग्लो आ रहा है, ज़्यादा लगाते तो बहुत ज़्यादा ग्लो आना था, राइट। प्राइमर लेना है ब्यूटीफाई बाय आमना की, प्राइमर लूँगी मैं अब। ये प्रोडक्ट तो मेरा लव वाला है, मतलब इससे मेरी लाइकनेस नहीं है, इससे मेरा रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म वाला। आई लव दिस प्रोडक्ट, इसकी क्या ही बात है, ये मेरा फेवरेट प्राइमर है। 2-3 साल हो गए हैं अभी इसको लॉन्च हुए हुए, और मैं इसके अलावा तो ज़िंदा ही नहीं रह सकती, ठीक है। मैं और भी प्राइमर यूज़ करती हूँ आजकल, मुझे एल्फ का प्राइमर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये ऐसा प्राइमर है कि मतलब आई वुड नेवर स्टॉप यूजिंग इट, दिस इज़ माई होली ग्रेल प्राइमर। जब इस तरह के थोड़े से सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं तो सबसे मेरा फेवरेट ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर ही है। तो उसको मैं अप्लाई करूँगी अपने पोर्स के अराउंड, अच्छा जी। स्किन जो कहते हैं ना प्रेप एंड प्राइम, वो हो चुकी है, सीरम लग चुका है, प्राइमर लग चुका है, स्किन इज ऑल रेडी फॉर फाउंडेशन। अच्छे तरीके से शेक कर लें बॉटल को, और इसके ऊपर से लिड उतार दें इसका। इसको शेक करने के बाद अच्छे तरीके से मैं कोई इसके 2 पंप ले रही हूँ। ओह अल्लाह, ये काफ़ी रनी है, मतलब इट्स क्वाइट लिक्विड ही, मतलब ये देखें। अच्छा जी, आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ, डॉट ऑल ओवर फेस। अब तो मुझे शेड लाइट लग रहा है। शेड रेंज थोड़ी ट्रिकी है इनकी, मतलब
मीडियम शेड इस कलर का वैसे नहीं होना चाहिए, दिस इज़ लाइक लाइट, मेरा कॉम्प्लेक्शन इज़ नॉट मीडियम, इट्स लाइट टू मीडियम कह लो, बहुत मीडियम नहीं है, लेकिन इनका मीडियम शेड भी मुझे लाइट लग रहा है अच्छा सा। खैर सर, ब्रश और ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ, पर मोस्टली मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए, तो मैं ब्यूटीफाई मामना का ही यूज़ करी एंड आई एम गोना स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। आपके सामने ही ये ब्लेंड हो रहा है, बहुत ही परफेक्टली ये ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल भी ये ड्राइंग नहीं है। कुछ फाउंडेशन होती हैं जो ड्राई आउट होना शुरू हो जाती हैं फेस पे, ये इजीली ब्लेंडेबल है। ठीक है, शेड रेंज, शेड मैच थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है, पर इस लाइट में भी लग रहा है, मैं लाइट ऑफ करके भी देखती हूँ एक दफ़ा। सो अब आप लोग देखो ज़रा, अब ना फाउंडेशन थोड़ी सेटल डाउन हो गई है और मेरे कॉम्प्लेक्शन की भी हो गई है, शुरू में मुझे लाइट लग रही थी। शेड मैच इज क्वाइट ओके, ठीक है मुझे लाइट लग रहा था, लेकिन आप लोग देखो अब मेरे हाथ से भी कंपेयर करो तो एक ठीक है, इट्स नॉट लाइट, इट सीम्स ओके। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसका अंडरटोन थोड़ा सा येलो नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ पीचिश, ठीक है मीडियम 05 का। अब हम एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा कि इसकी फिनिश कितनी फ्लॉलेस है। देन ऑलरेडी सी द ग्लो ऑन माई फेस, ये टोटली मैट नहीं है, इसके ऊपर लिखे मैट फिनिश बट इट्स नॉट लाइक फुल मैट, मिक्स है, ठीक है इसके अंदर ग्लोई लुक ज़्यादा है, वो शायद मैंने पहले सीरम भी लगाया था उसकी वजह से भी लग रहा होगा। कवरेज वाइज इट्स मीडियम, ठीक है मीडियम टू फुल भी हो सकती है बट मीडियम कवरेज है, आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का रेडनेस, मेरी अभी भी पीकिंग पीक थ्रू हो रही है, फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है लेकिन मीडियम कवरेज है, और मुझे आजकल मीडियम कवरेज फाउंडेशन ही पसंद आ रही हैं। आई एम नॉट, पहले मुझे होता था हर फाउंडेशन फुल कवरेज हो, लेकिन एवरी डे में आप हर वक्त जो है वो फुल कवरेज फाउंडेशन भी नहीं लगा सकते, राइट। लुक्स ब्यूटीफुल फिनिश वाइज, अब मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ फिर हम लोग चेक करते हैं दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है। तो कंसीलर की बात करें तो कंसीलर इज़ ऑल्सो मीडियम कवरेज, इट्स नॉट फुल कवरेज, ठीक है लेकिन इट्स वेरी ग्लोई और हाइड्रेटिंग काफ़ी है, मतलब इन दोनों के जो फाउंडेशन और कंसीलर है बोथ आर वेरी वेरी हाइड्रेटिंग टू द फेस, ठीक है। मेरी लाइटिंग थोड़ी सी ना वो है, ब्राइट है, अब मैंने यहाँ पे पाउडर रखा हुआ है ना, तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि हाउ द स्किन लुक्स राइट नाउ। और मैंने एक और पॉइंट ये नोट किया है कि थोड़ी ऑक्सीडाइज हुई है, ठीक है तो ये फाउंडेशन और कंसीलर दोनों ऑक्सीडाइज होता है एक शेड। कवरेज ऑफ द पाउडर आप लोग देख सकते हो कितना फ्लॉलेस मेरा एकदम से ना चेहरा लगने लग गया। आई विल डू अ लिटिल क्लोज अप एज वेल, आई लाइक इट। सो द फिनिश ऑफ बोथ थ्री प्रोडक्ट्स इज वेरी ग्रेट, फील ही नहीं हो रहा कि कोई प्रोडक्ट आपने लगाया हुआ है, बहुत नेचुरली और सब कुछ बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया है स्किन के अंदर। सो आई क्विकली डू लाइक माई होल फेस ऑफ मेकअप, ठीक है फिर मैं आती हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि बाकी चीज़ों के साथ ये कैसे ब्लेंड होती है। सो आई विल बी बैक, वी आर बैक विद द मेकअप ऑन। लिपस्टिक कलर इज सो ब्राइट, दिस इज एक्चुअली वाई ब्यूटीफाई बाय आमना का लिक्विड लिपस्टिक है, ये भी इनकी रिसेंटली लॉन्च हुई है, दिस इज इन द शेड पावर रेड, यू कैन सी हाउ ब्राइट द कलर इज, आई ऑलरेडी लाइक इट, मतलब ये कलर मैं लगाती नहीं हूँ बट इट लुक्स रियली गुड विद द ओवरऑल लुक। अब जरा आप फेस पे तवज्जा फरमाएं और देखें कि ब्लश और हाईलाइटर कि ब्यूटीफाई बाय आमना की न्यू वाली है, ठीक है बाकी चीज़ों पे मैं अभी रिव्यू नहीं दे रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी फाउंडेशन कंसीलर एंड पाउडर, कि आप मेरा फेस देख सकते हैं क्लियरली नाउ। एज एक्सपेक्टेड आई एम रियली रियली हैप्पी विथ हाउ माई फेस लुक्स राइट नाउ, द फाउंडेशन लुक्स फ्लॉलेस, द कंसीलर लुक्स फ्लॉलेस, मतलब
ब्लश और हाइलाइटर भी देखो, लिपस्टिक भी देखो, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से ना ब्लेंड हो गया फेस में. इट लुक्स वेरी वेरी सीमलेस एंड फ्लॉलेस अप टिल नाउ. जरा आपको ये बड़ी लाइटिंग में भी चेक करा दूं कि सब कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली पता लगता है कि आपका फेस कैसा लग रहा है. सो यू कैन सी हाउ गॉर्जियस द फाउंडेशन लुक्स. आई एम इम्प्रेस्ड ऑलरेडी. ठीक है, मुझे फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं. एज यू कैन टेल, बहुत अच्छे तरीके से मेरे फेस पे लग रही हैं. जो मेरे चेहरे पे चीज़ सूट कर जाती है मुझे, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है. हाइलाइटर की वजह से भी ड्यूई लग रही है मेरी फाउंडेशन, लेकिन वैसे भी फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी ग्लोई ऑन द स्किन. फॉर्मूला मैं इसको बता चुकी हूँ, मीडियम है. इट्स नॉट वेरी फुल कवरेज, इट्स मीडियम टू फुल बिल्डेबल है. ठीक है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत रनी है, वाटरी है. ठीक है, हाइड्रेटिंग, उसका नाम ही वो है, क्या नाम है, नाम ही रेडिएंट है, जिसकी वजह से वो रनी है और उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी वाटरी और रनी है. ठीक है, तो वो ईजिली फेस पे ब्लेंड होने में आसानी हो जाती है. ड्राइंग फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है इसका. ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है, मेरे फेस पे भी ऑक्सीडाइज हुआ है, एक शेड एक टोन कंसीलर भी ऑक्सीडाइज हुआ है और उसका फाउंडेशन भी. ठीक है, ओवरऑल द कवरेज इज़ वेरी गुड, लुक्स फ्लॉलेस ऑन द स्किन, सो इज़ द कंसीलर. ठीक है, पाउडर भी मुझे बहुत पसंद आया है. जो पहले वाला ब्यूटीफाई का आमना का पाउडर था वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पाउडर है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है. मतलब पहले वाला थोड़ा सा ना सॉफ्ट वो भी था, लेकिन इसकी फिनिश ज़्यादा मुलायम है, जैसे मज़े का टेक्सचर है इसका. ठीक है, इसलिए पाउडर का बहुत अच्छा लगा है मुझे, और तीनों चीज़ें बहुत अच्छी थी. ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है यूज़ करने में. मुझे कोई भी दिक्कत ऐसी महसूस नहीं हुई इसको ब्लेंड करने में या सेट करने में. सब कुछ बहुत ईजिली लग गया था और सब कुछ बहुत ईजिली फेस पर ब्लेंड हो गया था. लैशेज भी मेरी ब्यूटीफायर है आमना की है, लिपस्टिक भी मेरी ब्यूटीफायर है आमना की है. इनका स्टाइल वगैरह मैं नीचे मेंशन कर दूंगी. वेयर टेस्ट मैं इसका कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट फिल्म कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होगा. लेकिन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिख दूंगी फाइनल रिव्यूज़, कि अगर मुझे 5 से 6 घंटे बाद कुछ फील हुआ है ऐसा, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट रिव्यू लिख दूंगी अपना लिख के, ताकि आप लोग वहां से देख सको. तो चलते हैं इसकी डील्स के ऊपर. ठीक है, आप लोगों को पता है कि ब्यूटीफाई बाय आमना के साथ मेरा कोड है. ठीक है, जिससे आपको फ्री गुडीज़ मिल सकती हैं. तो ब्यूटीफाई बाय आमना का जो एक फेस प्रो सेट है ना, जिसमें आपको फाउंडेशन मिलेगा, प्राइमर, सीरम, पाउडर और कंसीलर, ये सारी चीज़ें जो मैंने आज वीडियो में यूज़ की हैं, इसकी प्राइस है 7750 रुपीज़. ठीक है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है, बाद में प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगी, अभी इनका वो ऑफ चल रहा है इस चीज़ पे. और साथ मेरा कोड है AN12, आप लोग देख सकते हो AN12. अगर आप मेरा कोड यूज़ करें तो आपको 3 फ्री चीज़ें मिलेंगी कोड यूज़ करने के बाद. आपको एक ब्रश मिलेगा ब्लेंड करने के लिए फाउंडेशन. इनका ब्रश बहुत अच्छा है, कोई मामूली वाला फाउंडेशन ब्रश नहीं है, बल्कि हाई टॉप नॉच ब्रश, टॉप नॉच ब्रश है. फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर होल्डर मिलेगा और एक स्मॉल प्राइमर मिलेगा. ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको मिलेगी AN12 कोड यूज़ करने से. बाद आपको यही सेम गोल्डन बॉक्स मिलेगा, आपको बुकलेट मिलेगी. ठीक है, जिसमें सारा कुछ लिखा होगा. ये इनकी सारी शेड रेंज यहाँ पे दी हुई है, इनकी वेबसाइट पे भी दी हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, और इनके सीरम के बारे में भी डिटेल दी गई हुई है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी. आई होप दिस रिव्यू वॉज क्लियर टू यू. सो फार मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, एवरीथिंग ब्लेंडेड आउट नाइसली. तो जिस तरह हमने सोचा था ना, एक्सपेक्ट किया था कि ब्यूटीफाई बाय आमना की फाउंडेशन अच्छी होगी, और ज़ेन में कहीं ना कहीं था कि इतना बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, इतना फेमस ब्रांड हो गया है, तो ये कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. तो उन्होंने बिल्कुल भी फाउंडेशन और कंसीलर के मामले में डिसअपॉइंट नहीं किया. आई लव्ड द बोथ, जितनी भी तीनों चीज़ें हैं मुझे बहुत पसंद आई हैं. ठीक है, मेरे फेस के लिए बहुत अच्छी हैं, और मैं बार बार ट्यूटोरियल्स में यूज़ करती रहूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि मुझे वाकई पसंद आई हैं. सो दिस रिव्यू वॉज 100% ऑनेस्ट. जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो नहीं अच्छी वो नहीं अच्छी. जैसा मैंने बताया है कि मुझे सीरम इनका बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इट्स ओके, नॉट दी बेस्ट वन आउट देयर. प्राइमर मेरा फेवरेट है. अभी पाउडर, कंसीलर, फाउंडेशन की फर्स्ट इंप्रेशन है. मैं आहिस्ता आहिस्ता भी यूज़ करती रहूँगी तो मुझे ज़्यादा बेहतर आइडिया होता जाएगा चीज़ों का. होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट्स करें और बताएं मुझे कि मुझे और कौन सी फाउंडेशन का रिव्यू करना चाहिए ऐसे ही, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के रिकमेंडेशंस भी दें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, और ढेर सारा प्यार भी भेजते रहें मुझे जैसे आप लोग हमेशा भेजते हैं. अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.